कमजोर थोड़ी है, अगर आप गलत करेंगे तो फिर हम आवाज उठाएंगे। हाँ, तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि पापा परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ। हिम्मत नहीं हो रहा, अब तक मैंने कैमरा नहीं उठाया है, मैंने मतलब माहौल को उन्होंने भी गर्म नहीं होने दिया। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो मुझे एकदम इमरजेंसी में मैं निकल पड़ी हूँ घर से, मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और मैं जा रही हूँ बनारस। क्यों जा रही हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। वीडियो नहीं आई है कल तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई है जो कि आप आज के ब्लॉग में देखेंगे और उम्मीद करूंगी कि इस ब्लॉग को आप लोग उसी तरीके से प्यार देंगे और बात को हमारे सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, मैं घर से निकलने से पहले बहुत दुखी थी, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और रम्या को इस तरीके से छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा था। ना पॉप ना दीदी प्लीज, ना अच्छा लगे लग रहा। देख क्यूट लगती काफी ये कर रहा थी। हाँ, साड़ी पे ना बोलो कुर्ता आता पहनने के लगी सूट पे मनीषा कह रही थी ध्यान दिए करे। ना पानी लगा था, हाँ तो प्रचार का अधिवेशन पे इतना पहना तो सब देखते रह जी तो रखे। बा बा दीदी का होता हाँ। ए, मत कर मत कर एरी सिंह मारे के उसू तो आए घरी समय बैठे जिंदगी सिंह मारा दिया हमके एवल मत कर प्लीज। तो पैर पड़ा तेरे देख तो बोल रहा तो खुश रहते कौन ही अपने तो ध्यान देने में सहायता तो कर दी थी ठीक यूट्यूब पर ही तो बनाया था दिया। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग को जैसे कि पता चल चुका होगा कि मैं बनारस आई हूँ। मैं बनारस क्यों आई हूँ गोलू? पापा की वजह से क्योंकि पापा कभी नहीं चाहते थे कि फैमिली की चीज़ें बाहर आएँ, और जो कि मेरी वजह से आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मेरी वजह से नहीं आया है, मैं बेटी हूँ। अगर मेरे बाप को कष्ट हुआ तो वो चीज़ें बोली, तो ये टॉपिक मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि तो कुछ बोला ही नहीं है। अगर सारी चीज़ें बोलने लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पापा ने कल रात को खाना नहीं खाया, वो इतने परेशान। मैंने ना वीडियो डालने के बाद तुरंत अपने सारे फ़ोन बंद कर दिए थे, मुझे पता था पापा का रिएक्शन होगा कि ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी। तो पापा इस टॉपिक भी हमारे साथ में नहीं है, ये जो सच है वो जान लीजिए, क्योंकि पापा के लिए फैमिली की इज्जत सबसे पहले है, बाद में हमारा यूट्यूब है। चीजें हो रखी हैं तो अब तक तो बहुत पहले सब जब बाहर जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं हुई हमने कभी नहीं कही है। आज तक से मैं 4 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, हमको उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं, लेना देना ही नहीं था। प्रॉपर्टी और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और लेकिन जब चीजें दिखी कह रहे भाई साहब इतने ऐसे लोग भी हैं तो फिर। और उसके बाद में जब पापा को दिक्कत हुई तभी हमने बोला, नहीं तो हमने आज तक कभी बोला नहीं था। और हम बोलते रहेंगे, अगर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो खड़े रहेंगे। कमजोर थोड़ी है, अगर आप गलत करेंगे तो फिर हम आवाज हाँ। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि पापा परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, इसीलिए मुझे जल्दी में भाई के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसीलिए हम आए यहाँ पे, मैं आई हूँ और आके पापा मतलब ऐसी सिचुएशन थी, कल इन लोगों से पूछी, एक भी मेरा फोन ऑन नहीं था। मैंने कल रात को खाना नहीं खाया, पापा ने भी खाना नहीं खाया। फिर मैं खिलाई ना उनको उठा के, बोली कि इसमें क्या हो गया, आपकी गलती नहीं हमारी गलती नहीं है, तो फिर खाना क्यों नहीं खाएंगे। तो फिर दूध रोटी खिलाई मैं उनको उठा के। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ें हुई। मैं ये चीज़ें भी आके ना यहाँ जब वीडियो शूट करने आई हूँ तो बोल रही हूँ उनके मुंह पे, मैं इतना भी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा। अब तक मैंने कैमरा नहीं उठाया है, मैंने मतलब माहौल को उन्होंने भी गर्म नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसा नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल बोलेंगे और जो भी करना होगा वो भी करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ पापा नहीं चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे किस चीज़ को नहीं करें, खत्म करें। अभी बहुत हो गया क्योंकि कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी लोगों की वजह से हम अपने फैमिली में ये सब मतलब अपने भाई बहनों में ये चीज़ें नहीं खराब करना चाहते, इसके लिए क्योंकि हमारे लिए हम पाँचों इम्पोर्टेंट हैं और वो लोग भी ये जानते हैं, उनका मन और आत्मा जानता होगा। बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी।
और अगर अपने पापा की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि अगर मेरे इसी से करने से अगर मुझे जो करना होगा ना वो हम करेंगे, करते रहेंगे आपको अपडेट। लेकिन अभी अगर हमारे वीडियो से पापा इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि वो बीमार हो जाएं, तो ये चीजें हमें इस कीमत पे हमको सब कुछ तो खो ही चुके हैं हम, अब अपने पापा का स्वास्थ्य और अपनी खुशियां नहीं खो सकते। हाँ, तो इसीलिए हम इस चीज को बंद करेंगे। फैमिली में अब तो आग लग चुकी है तो बातें तो होंगी, और ये तो नहीं है वो तो भी 20% भी नहीं बोल रहे। अगर बोलने लग जाए ना फिर इनकी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे लोग। लेकिन क्या मतलब है, हमारे लिए पापा की का जो सेहत है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसको ध्यान में रख के। हाँ, क्योंकि उनकी मानसिक शांति, लेकिन अगर हमको लोग उंगली करेंगे तो वे छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए उनकी मानसिक शांति ही नहीं रहेगी अगर मेरे पापा परेशान रहेंगे, तो हमको नहीं लगता कि मैं वीडियो बना के पेशेंट है तो उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए पापा की ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल की ही वीडियो को डिलीट करने के लिए पापा अड़ गए थे, बट मैंने कम्युनिटी डाली, आप लोगों ने इतना कुछ वो किया, क्योंकि पापा के ऊपर भी प्रेशर है, समझिए बात को। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनली घर। आज की मेरी इस साड़ी की रील जाके आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये सारा रील कि मुझे बनाने नहीं आया, सारा रील गोलू ने बनाई है, और गोलू ने फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन शूट किया है ना गोलू। हाँ, मुझे नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आता है, बस ये है कि ये करती नहीं। 100 रुपया चलो किन रहे चमक गई हवा कहा ना अभी काले परसों बने रहोगे बाद में शाम को आके ले जाना, चलो फिलहाल यही ले लो। कितना हुआ? 32 रुपये हुआ ना। यहाँ पे प्रियंका अच्छे से बैठो, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से। ये मैं आई हूँ जो कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं होती हूँ ना तो ये लोग मतलब मैं पैसे लिमिटेड इन लोगों को भेजती हूँ। तो सुनिए ना, तो ये क्या करती हैं कि जब मैं नहीं होती हूँ, एक सबसे ना इमोशनल चीज आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। पहले तो ये कोल्ड ड्रिंक दिखिए, मेरे लिए बहुत इमोशनल था, रुकिए मैं दिखाती हूँ। अब तक का सबसे मेरे लिए इमोशनल चीज था, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने ना आज तैयार हो रही थी तो एक झोला देखा, और इस झोले में ना मैंने अब तक गोलू प्रियंका को कभी 2-2, 5-5 रुपए वाली क्रीम खरीदते हुए नहीं देखा था। इसको ये लोग खोल के दिखाएंगे, दिखाओ जी। तो ये देखिए, ये पे मतलब ऐसी फाइनेंशियल थोड़ी सी समझ ही रहे हैं इस टाइम पे कितनी कैसी कंडीशन हो जाती है। तो फेयर लवली छोटी सी खरीदी गई है, दिखाओ। ये लोग मुझसे नहीं मांगे कि दीदी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, वरना मैं ही हमेशा लेके आती हूँ। कितने रुपए का पाउडर है? 10 रुपए। और एक ये क्या है? लिप बाम 10 रुपए का, और 10 रुपए का ये। 10 रुपए का है। ये पहली बार ऐसा हुआ है मतलब मेरे जीते जी कि इन लोगों ने मतलब परिस्थितियों को इस हिसाब से समझा है। पापा एकदम सुतल बड़ा नींद में। ए पापा जी। ए पापा उठ, है तार छुटकी हिलाती है। कितना अदरक है? 15 रुपए का। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग फैमिली वाला हम लोग का अच्छा लग रहा होगा। 15 रुपए का अदरक। हाँ पता है। ए पापा, ए पापा कोल्ड ड्रिंक पी लो, ए पापा पी लो, तोहरों के लिए बन जाए। ए पापा पी लो ना, पी लो दीदी। रुक ना, देख के ले ले ले। वो क्या हुआ है ना, माहौल इतना खराब हो चुका है घर का ना, कि गोलू प्रिय का बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा। और ज्यादा का ब्रेड ले ले ली। खा लो, उठो उठो, जाए तो सोचने से कुछ होगा जिंदगी में। Don't you worry. Hello जी, प्रियंका। हेलो बोलो। हेलो जी। तो हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर पे, ब्लाउज सिलवाने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और वहाँ के लिए खास फंक्शन, आ ज्यादा डर लग, खास फंक्शन के लिए मेरे को
मैंने ना सारे अपने ब्लाउज स्टिच करके ले आई हूँ चार, लेकिन वहाँ के लिए ना जो साड़ी मुझे आज ही रिसीव हुई है तो उसका ब्लाउज स्टिच करवाना है, और मेरे को 1 घंटे से पैदल चलवा रही हैं ना दीदी। वाह कितना सुंदर आम्बा, इतने प्यारे आम है ना, पूछ रहे कैसे ठीक है सुन लेनी हम हमने है इरादे जूठ हुए 120 रुपए किलो आम, और जबकि हम खुद अपने घर में खा रहे हैं 60 रुपए किलो बढ़िया, 50 रुपए किलो लंगड़ा, 50 रुपए दशहरी, दशहरी तो कम हो गया है, 50-60 रुपया किलो जो है वो क्या बोलते हैं ये जो था वो। अभी यहाँ पे लोग तुम्हें नजर लगाएंगे, पहले तुम कैमरा रख दो। ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख लिया हुआ है, मेरी वीडियो जो है वो आज नहीं जा पाएगी। रीज़न यही है क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका है, इतना मतलब समझाया जा रहा है बिठा के हमको कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी या फिर ये चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को इस बात से दुख भी हुआ है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसा काम मत करो जिससे कि ये दुख हो, तो ऐसा तो कुछ तो किया है जिसकी वजह से आज इतना दुख झेलना पड़ रहा है या हमारे शब्दों से इतना चोट पहुँच रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई है, मैं क्या बोलूँ आप सबको। उम्मीद करूँगी कि ये बहुत ही छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बस एक अपडेट है कि लाइफ में जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो लोग जीवन से हार जाता है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। मैंने पापा ने सारे कमेंट पढ़े, मैंने बोला कि देख लीजिए कितनी हिम्मत मिल रही है, लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप एक बार बस ट्राई करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ तो होगा, जो होगा वो बताऊंगी, सब चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते हैं। बट अभी के लिए पापा परेशान हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, तो पापा के परेशानी के बलबूते पे हमें कुछ अभी नहीं करना है, क्योंकि उनको डॉक्टर ने उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मना किया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं समझाइएगा, कुछ भी नहीं बोलिएगा जिस वजह से। और अभी शाम का टाइम है तो मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत गोलू प्रियंका को होगी। मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी अपने घर रम्या के पास, और ये रही भिंडी। उन लोग वो बच्चियों के मन में बहुत दुख है, बहुत दुख है। आप लोग तो जज कर लेते हैं कमेंट में, कुछ भी लोग बोल देते हैं या बोलते आए हैं 4 सालों से, लेकिन इसके पीछे की चीज़ें नहीं जानते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, कितनी ज़्यादा लाइफ में उतार और चढ़ाव देखे हैं, कितना अपनों की नफरत देखी है, कितना हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। उसके बावजूद हमने हार नहीं माना, हम उठ के खड़े हुए, हम लड़े, लड़ रहे हैं इस समाज की मानसिकता से। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, माँ बाप ने तो जो किया जो गलत करना था कर चुके थे, लेकिन उसको हमने अपना किस्मत और भाग्य नहीं माना, हमने अपनी किस्मत और भाग्य को पलटने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जो मेरे YouTube पे हैं लोग, अगर मैं वीडियो नहीं बनाती, अगर मैं घर में दब के रह जाती, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी ही हुई थी एकदम दबा के, तो मैं कुछ नहीं कर पाती, शायद मैं अपने पापा की हेल्प भी नहीं कर पाती। लेकिन मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं, मतलब होने के बाद भी मैंने हिम्मत की, मैंने कोशिश की, वो जो बातें मैंने 3 वीडियो में रखी है वो भी मेरे एक हिम्मत का ही नतीजा है। मुझे एकदम 200% पता था कि जैसे मैं एक वीडियो डालूंगी पब्लिक होगी, मेरे घर में बवाल मचना शुरू हो जाएगा, मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मेरे मायके हो या मेरे पापा की तरफ से, या फिर जो समाज में ससुराल में भी हैं लोग, तो वो जान जाएंगे चीज़ों को जो हम छुपाते आए हैं, जो हम दबाते हैं, जो कोई पूछता है हमसे कि सब ठीक है ना, अरे ये वो, तो हम लोग झूठ बोल देते, वो झूठ सब सच में आएगा सामने। लेकिन मैंने हिम्मत करी, और वो भी हिम्मत, वो मैंने कोई बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं की थी, जब मैंने देखा अपने पापा को कष्ट में तब जाके वो सारी चीज़ें मैंने बोल दी थी, और उसमें मैंने सब कुछ सच बोला है, सब कुछ, और उस वो सच का सिर्फ 10% है, 90% तो अभी मैंने बोला भी नहीं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब पता नहीं, पापा जाएंगे अभी गाँव थोड़े टाइम बाद, तो उनको अगर किसी ने भी कुछ बोला तो हम तो हैं साथ में खड़े हैं, पापा को बस यही सारी चीज़ें समझा रहे थे कि आप विचलित मत होना, परेशान मत होना, और हमेशा याद रखना कि हम आपके साथ हैं चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, बहुत उनको समझाए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी उनको लेके कहीं जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या होगा वो देखिएगा आप जो है वो अगली वीडियो में, क्योंकि फिलहाल खाना बनाने जा रही हूँ। पापा खाना नहीं खाएंगे, बड़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये है भिंडी, भिंडी की भुजिया और रोटी। तो आज खाना मैं बना देती हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा है कि गोलू प्रियंका जो है वो एक एक कोना पकड़ के बैठ के रो रही हैं, परेशान हैं। और अभी माहौल बेहतर हो चुका है, मतलब ऐसा माहौल था तो थोड़ा सा होता है ना कि उसको सही करते हैं, थोड़ा सा कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं। तो मैं बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन माँ के समान होती ही नहीं है, मैं हूँ। और तो मैं सोचा कि चलो आज खाना मैं बना देती हूँ। बाकी आप लोग के प्यार, कमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत है, खासकर गोलू प्रियंका को। पापा तो ठीक है, लेकिन गोलू प्रियंका को है, क्योंकि जब ये चीज़ें हुई थी, लाइक जब करोड़ों रुपए वाली बातें, तो वो बहुत टूट चुकी थी उस टाइम पे, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी, अभी नहीं, अभी थोड़ा। पापा हर एक वीडियो के हर एक शब्द सुनते हैं, तो थोड़ी सी चार चीज़ें ठीक हो जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप सबके साथ। अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारी चीज़ें, भगवान न करे ऐसी ज़रूरत पड़े अगर पड़ी तो। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल के अगली वीडियो में, क्योंकि शायद आज वीडियो नहीं जाए, क्योंकि मेरे इतनी हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं एडिटिंग भी करूँ या ब्लॉग भी बनाऊँ। मैं यहाँ किचन में देखिए इधर बैठ के बोल रही हूँ, तो मैं ज़्यादा जो है वो आगे जब बनाऊँगी तब मैं शेयर करूँगी, जब माहौल ठीक हो जाएगा और मेरी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मैं वीडियो बना पाऊँ सामने से और एडिटिंग कर पाऊँ। मतलब ये लिहाज है, ये पापा का लिहाज ही है, वरना क्या होता, वो डांटते रहते, हम अपना काम करते रहते। मैं डर के यहाँ किचन में बैठी हूँ, तो ये एक लिहाज होता है। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। हो सकता है शाम को कल मैं अगर वीडियो डालूँ तो दो वीडियो अपलोड करूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है, भगवान जाने अगले ही क्षण में क्या हो सकता है।